छपरा में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना एकमा थाना क्षेत्र के बनवारी अमनौर गांव का है, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती को भगाकर अपने साथ महीनों तक रखा। इस दौरान वो लड़की का शारीरिक शोषण करता रहा। यही नहीं, युवक के पिता ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद डरी सहमी युवती ने अपनी आपबीती अपने परिजनों को सुनाई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मिलने लगा, शादी का झांसा देकर अपने घर से मुझे लेकर चला गया और पटना ले गया, कोलकाता ले गया, फिर वापस आए। बहुत बदसलूक किया, कोलकाता पटना बहुत गंदे तरह से बदसलूक किया मेरे साथ। और घर पे आए लेकर तो मेरे भाई और पापा आए और बोले कि मेरी लड़की को वापस कर दो। तो उसके पापा बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, इज्जत तो चला गया और हम इसको अच्छे से रखेंगे, बहू बनाकर अच्छे से शादी करेंगे, बहू बनाकर अच्छे से रखेंगे, जैसे कि आप भी नहीं रखते होंगे अपनी बेटी को। इसी बात अपनी बीवी को पहले इलाज करवाइए और मैं यहाँ पर संभाल लूँगा सबको। फिर मेरे पापा भाई वापस चले गए दिल्ली। और उसके बाद शादी करने के लिए मैं जब भी बोलती थी तब भी बहुत मारते पीटते थे और ज़बरदस्ती सिंदूर लगवाते थे समाज वाले को दिखाने के लिए। और बहुत मारते, बहुत गंदा वसलूक करते थे। उसकी तीनों बहन और उसकी माँ बाहर से कुंडी लगा देती थी और वो अंदर से पूरा जोर ज़बरदस्ती वो करता था मेरे साथ। और वही नहीं, उसका बाप भी गंदी नज़र से मेरे को देखता था। वहीं पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए युवक और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एकमा थाना अंतर्गत कल शाम में एक मामला प्रतिवेदित हुआ, जिसमें कि यह बात पता चली कि ईट गांव में एक 17 साल की लगभग 17 साल की लड़की को प्रेम प्रसंग में घर में लगभग 6 महीने से रखा जा रहा था एक परिवार के द्वारा, परंतु इसके बारे में किसी को सूचना नहीं दी गई थी। और एक दो दिन पहले उन लोगों के द्वारा मारपीट करके उसको घर से निकाल दिया गया। जो आवेदन थाना पे प्राप्त हुआ है उसमें घर वालों पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि लगभग 6 महीने से उसको घर में रखकर के यौन शोषण किया जा रहा था और घर के एक अन्य सदस्य पर भी यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने भी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया। तो इसमें प्राथमिकी दर्ज करके आगे कानूनी कार्रवाई की गई। दो जो मेन एक्यूज हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जो आगे की जो लीगल प्रोसेस है उसको किया जाए। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।